मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड का 24वां पार्ट है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इसको आप रिवीजन करते रहें। तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ पुस्तकों के बारे में देता हूँ कि वो पुस्तक के लेखक कौन है। गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक हैं, कौन कहाँ के लेखक कौन है, शिव प्रसाद डबराल या महीधर शर्मा। उत्तराखंड के भौतांतिक के लेखक कौन है, महीधर शर्मा या शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, रस्किन बॉन्ड या शिव प्रसाद डबराल। बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है, शिव प्रसाद डबराल या रस्किन बॉन्ड। और हिमालय का महाकुंभ नंदराज जाट लेखक का नाम बताइए, हिमांशु जोशी या रमेश पोखरियाल। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है, इसकी रचना किसने की, मनोहर श्याम जोशी या हिमांशु जोशी। ए जर्नी टू द लोक मानसरोवर के लेखक कौन है, जगदीश कौर या विलियम मूर काफ्ट। कुमाऊं का इतिहास 1937 किसने लिखा, केदार सिंह फोनिया या बद्रीदत्त पांडे। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, रस्किन बॉन्ड या अजय रावत। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसने लिखी, अजय रावत या रस्किन बॉन्ड। मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड या गणेश शैली। देहरादून गजेटियर पुस्तक के लेखक जो 1911 में लिखी गई कौन है, रस्किन बॉन्ड या एच जी वॉल्टन। अल्मोड़ा गजेटियर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, जोध सिंह नेगी या एच जी वाल्टन। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के लेखक का नाम क्या है, अजय रावत या एच जी वाल्टन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिया हमने। राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, उत्तराखंड राज्य का साक्षरता दर बताइए, 69.67% या 79.67%। राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी प्रतिशत है, 97.4% या 87.4%। राज्य में महिला साक्षरता कितनी है, 80% या 70%। राज्य का क्षेत्रफल कौन है, 63,483 वर्ग किलोमीटर या 53,483 वर्ग किलोमीटर। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ, 1989 में या 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, टिहरी या पौड़ी। राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.69% या 1.69%। राज्य में कितना प्रतिशत लोग ग्रामीण में रहते हैं, 79.77% या 69.77%। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है, एससी है,
28.8% या 18.8%। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी है? 3.9% या 2.9%। तो ये रहा अति महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको बार बार सुने, बार बार सुने और आंसर की प्रवृत्ति को समझें। थैंक यू।